टू माई चैनल। और आज का व्लॉग ऐसा होता है स्टार्ट, और क्या कहते हैं, लाइट गई भी है, हम लोग बैठे हुए हैं और अजलान साहब जो हैं वो जा रहे हैं बाल कटवाने, इनके अभी बाबा आज हैं वो कटवाने गए हैं, और मैंने थोड़ा सा सोडा मंगवाया था इनसे तो वो भी लेने गए। उन्होंने बोला मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ तो मैं वो भी लेते हुए आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने अपनी सफाई वगैरह मैंने कर ली, ब्लॉग में आप देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, बर्तन भी मैंने धो लिए। अच्छा खाना आज मैंने सोचा क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे पास दालें रखी हुई थी, तो मैं मिक्स दाल जो बनाती हूँ वो तीन मिक्स दाल बनाती हूँ, मूंग मसूर और चने की दाल की, वो बनाऊँगी तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अजलान कहाँ जा रहे हो आप? हाँ हाय करो। यार अजलान के ना बाल बहुत ख़राब हो रहे थे, क्योंकि हमने इसको गंजा करवाया था ना, तो इसके बाल बहुत स्लो स्लो बढ़ रहे थे, और जब वो बढ़े तो वो बिल्कुल ही कटिंग इसकी आउट हो रही थी, तो मैंने कहा इसके बालों की थोड़ी सी ना ज़रा सेटिंग करवा दें, ताकि ये हमारा जो इतना प्यारा सा बेटा है ना और अच्छा लगे। तो कहने लगे ठीक है मैं करवा दूँगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, और फिर ये रोता भी बहुत है, तो एक टाइम पे ना एक इंसान के बाल कट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अजलान भी चला जाए, अजलान साहब रोना शुरू कर देंगे, वहाँ पर बैठते नहीं हैं इस वजह से, है ना अजलान। और अजलान अपनी गाड़ी पर बैठ चुके हैं, अजलान बस माशाल्लाह से करते हैं, देखते हैं इनके बाबा आते हैं फिर क्या है, भूख भी लग रही है तो देखें। मैंने रोल मंगवाए थे इनसे कि रोल समोसा अगर मिल जाए तो ले आइएगा, अगर ये लिया है याद रहा इनको तो लिया है तो खा लेंगे, वरना फिर रात में ही खाएंगे। हाँ मैं झाड़ू देने लगती हूँ, मैंने कहा झाड़ू दे लूँ, क्योंकि फिर क्या कहते हैं काम मेरा सारा भी ऐसी बराबर। अजलान के जो बाबा है ना वो अभी उठ के गए, मैंने उनको बोला मैंने कहा मुझे ज़रा सोधा ला लें, क्योंकि ये होते हैं ना घर में तो मेरा कोई भी काम नहीं होता, अरे ये ऊपर सो रहे होते हैं, अब मैं ऊपर बैठ कैसे साफ करूं, फिर नीचे की झाड़ू दे लो, फिर ऊपर का जो बेड होता है फिर क्या कहते हैं वो मसला करता है, फिर ऊपर की मिट्टी, फिर दोबारा झाड़ू दो, डबल डबल मेहनत। इसलिए मैंने कहा चलें आप जाएँ पहले मेरे को सोधा ला के दें, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू दूँ, फिर क्या कहते हैं कचरा देखें आप, एक ही बच्चा है हालांकि अभी हमारे घर में, और कचरा देखेगी। अजलान साहब भी वहाँ गए मेरे ख्याल से अपनी दादी के पास, भी वहीं खड़ा था, अब्बा जा रहे थे ना, अब्बा के पीछे लग रहे थे। अजलान साहब ने अपना जो निपल था ना वो सब पूरा अपने दांतों से कर दिया था, आज इसका निकल ही मैंने मंगवाया। और कचरा देखा मैं साहब मेरे कमरे में ला के, एक बच्चा है कोई बोलेगा कि इनके घर में एक बच्चा है और वो भी इतना कचरा करने वाला, कितनी वही झाड़ू दे लो कुछ भी कर लो कितना भी घर समेट लो क्या करते हैं, लेकिन वो जिनके घर में बच्चे होते ना तो उनके घर का हाल यही होता है। चलें झाड़ू दे लूँ, झाड़ू दे लूँ, बर्तन धो लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। फाइनली फाइनली मेरे अज्जी के बाल कट गए, कटिंग हो गई है, और दिखावा जो ऐसे अजलान साहब बहुत रोए, इनके अब्बा ने बोला ये बहुत रोया, ऐसा रोया ऐसा रोया है कि सब देख रहे थे कि अजलान को क्या हुआ। अज्जू मैंने आपको कितना समझाया था ना बेटा रोना नहीं, पता नहीं ये क्यों नई जगह पे जाता है, नए लोगों को देखता है, जैसे हम बैंक भी गए थे ना तो ये बैंक में भी बहुत रो रहा था, और हॉस्पिटल के भी हमारे चक्कर लग रहे हैं, तो ये हॉस्पिटल भी जब हम जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही रोता है, पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में देख के, या तो ये समझता है कि पता नहीं हर चीज़ को या तो ये हॉस्पिटल समझ रहा है, या तो पता नहीं क्या है कि ये नया बंदा देखता है तो इनका रोना शुरू हो जाता है। अच्छा आप क्या पी रहे हो? जूस। हाय कर रहे हो मेरा बेटा। अच्छा ये बताइए क्या कहते हैं वो जूस पी रहे हो आप? बाबा ने दिलाया है, फिर मम्मा ने, मम्मा ने ना, हाँ बाबा ने दिलाया है, मम्मा ने कहाँ गई, बाबा गए थे आपके साथ। पी लो, दाल मैंने चढ़ा दी है, और क्या कहते हैं बस खाना हमारा पक रहा है, चाय मैंने रख दी, इनके बाबा आ जाएँ फिर उसके बाद हम चाय पीते हैं। बाबा क्या ले आए अज्जू के लिए? समोसे, अज्जू समोसे खाएगा।
आ जाए गाइस और खा लें रोल समोसे हमारे साथ। अज्जू तो नहीं खाएंगे, चाय बना दी क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, अज्जू के बाबा ही पीते हैं। और अज्जू क्या खाओगे, समोसा रोल? ये खाएगा अज्जू। चलें खाते हैं, फिर खाने के बाद मिलते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कहते हैं दाल में भगवान लगा रही थी, फिर यहाँ पर अज्जू साहब आ गए, तो उनको बाहर जाना था, उनको मैंने शर्ट पकड़वाई, मैंने कहा जाओ आप बाहर जाओ। और फिर यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन करने लग गई थी। अच्छा, मैं जो भगवान लगा रही थी वो मैंने उसमें दाल में लहसुन का नहीं लगाया था, प्याज का ही लगाती हूँ मैं जब मिक्स दाल बनाती हूँ और लाल साबुत मिर्चों का। तो यहाँ पर हमारी जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें लाल साबुत मिर्ची डाल दूँगी, बस उसको हल्का सा फ्राई करूँगी, उसके बाद दाल में भगार दाल लगा दूँगी। और हमारी दाल यहाँ पर मस्त तैयार हो चुकी थी, सिर्फ भगार लगाना रह गया था। तो मैंने बोला ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँ मैं प्याज को, लेकिन वो जितने ही मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा काम उतना ही उल्टा हो जाता है। जितने भी मैं जल्दी जल्दी सोच लूँ कि नहीं ये काम मुझे ऐसा करना है, उतना ही मेरा काम अक्सर उल्टा हो जाता है। पर यहाँ पर मेरी प्याज भी ब्राउन हो रही थी और यहाँ पर फिर मैंने साबुत मिर्ची डाल दी थी। लहसुन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, सिर्फ मैं मूंग मसूर की दाल बनाती हूँ तो मैं उसी में भगार लगाती हूँ। और जब मैं मिक्स दाल बनाती हूँ तो मेरी यही प्याज का ही तड़का लगता है। और जब आप लोग बनाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बहुत यम्मी दाल बनी थी। और मैंने काफ़ी टाइम बाद भी मैंने दाल बनाई थी, क्या कहते हैं, अच्छा मिक्स दाल में ना मैं सिर्फ तीन ही दालें लेती हूँ, मूंग मसूर और चने की। और बस फिर यहाँ पे हमारा बघार लग गया था और बघार लगाने के बाद मुझे बनानी थी मिर्चें। फिर मैंने बोला यही फ्राई पैन क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि इसमें मैंने बघार ही तो लगाया था और वैसे भी वो ऑयल में उसमें बननी थी। तो फिर मैंने खैर यहाँ पे अपनी दाल को बघार को वो करा, लगाने के बाद फिर मैं मिर्चों की तैयारी करने लग गई। अच्छा, मैं इसमें से प्याज जो बाकी रह गई थी वो निकाल निकाल के डाल रही। अच्छा, यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है और मैंने हरी मिर्चें लिए, हरी मिर्चों का मैंने इस तरह से डालने के बाद सब्जी दे देंगे। आज और मैंने मसाला लिया है, मतलब मेरा चाट मसाला, पिसा धनिया और नमक और मसालों जो कहते हैं मिर्ची का जो मसाला आता है ना वो दिया है, ठीक है। और जब भी हो जाएगा तो ये मसाला डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छा, भाजी हमने इसलिए दी ताकि इसलिए कच्चे कंजी मसाले की नमक इसको हम रख देंगे दम पे थोड़ी देर बाद आगे देखें। अच्छा, मेरा जो ढक्कन है थोड़ा छोटा पड़ गया है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे ही मेरा जो था पानी में थोड़ा ही डालती हूँ, फिर सब आ गया दस मिनट से थोड़ा सा होना ही कर लेंगे कि हमारी मिर्चें तैयार हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का मिर्च का मसाला ना हो, बाज़ जगह पे नहीं मिलता, नहीं होता, तो आप किसी भी खटाई पिसा धनिया और नमक लेके वो भी बना सकते हैं, वो भी मैं बनाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। मेरे पास था मिर्च का मसाला तो मैंने वो ऐड कर दिया और पिसा हुआ धनिया नमक और मिर्चों का मसाला ऐड करके डाल दिया, चाट मसाला डाला मैंने थोड़ा सा।
सही वाली मिर्ची वाली अम्मी बनाती थी और मेरी मम्मी बनाती हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनाती है। वो तो खैर अपने ही मसाला को भी पीस कर और फिर मिर्चों में भरती हैं और वो बना के रखते थे, हम जाते थे हम खाते थे, बहुत मतलब अच्छे दिन थे वो भी। अब जो उनके वो मिर्ची वगैरह याद आती हैं, कभी जाएंगे तो बोलूँगी दिखाऊँगी आप, वो तो वो भी हम मज़े की बनाते हैं। मुझे लगा थोड़ा ऑयल में रहे मुझको में ज़्यादा हो गया, लाइट भी तो नहीं है ना, अंधेरे में काम करना पड़ता है। और मछली की सब्जी आ गई, आप लोग भी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। निकालें खाएं स्वस्थ करें, ठीक है भाई। इसमें थोड़ा सा ऑयल मेरा मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया मिर्चों में, और मसाला नॉर्मल है उसमें कमी रखा है क्योंकि इतनी मिर्चें हैं नहीं, फिर ज़ाया जाता है इसलिए। तो फिटनेस से अच्छा है इंसान कम बनाए दोबारा बना ले। चलिए खाइए, तो मेरी रेडी हो गई है, यहाँ मैंने शावर भी अपने रेडी कर दिए हैं, खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी, अगर लाइट आएगी फिर खाएंगे, मिलते हैं खाने पे। हाँ मेरे जो कपड़े थे वो इतने सारे हो चुके थे कि मेरा मशीन ख़राब थी, हाथ से जो धुल रहे थे धुल रही थी, अब यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी। आज मैंने कहा आज मशीन लगा लो और मौसम भी थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है, मैंने कहा नहीं भाई लगा लो मशीन ताकि कपड़े धुल जाए, मेरे कपड़े धुल जाते हैं ना सुकून हो जाता है। तो देखते हैं कितने धुलते हैं, क्योंकि हमारा पानी भी लाइट एक घंटे आती है तो पानी का भी फिर वैसे ही हिसाब होता है, तो जल्दी जल्दी हमें ये करके फिर देखते हैं और काम वगैरह। और जल्दी सीटी बच गई थी इसकी, कपड़े वपड़े धो वो के काम वगैरह करके, मेरे अच्छा किचन में इतना कुछ बर्तन है नहीं धोने के लिए क्योंकि मैंने रात में धो दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मशीन लगानी है हर हाल में। चलें कपड़ों प्लेट धो के उसके बाद मिलते हैं। मेरे जो बर्तन वगैरह बर्तन हो गए, बर्तन भी धुल गए और क्या क्या कर रहे हैं, बर्तन भी धुल गए, कपड़े भी धुल गए। अब मैं यहाँ पर खाना पकाने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं कह रही जल्दी से खाना पका लूँ। आज खाने में बना रही हूँ कीमा, आलू पीसी, मिर्ची लगी, नमक ले लिया, पीसा धनिया ले लिया, थोड़ी सी हल्दी ले ली। मैंने अपने मियाँ को बोला था कि वो लहसुन दही लेते हुए आइएगा, वो भूल गए। और यहाँ पर मैंने ये प्याज और टमाटर डाल दिए क्योंकि आज मैं टमाटर में बना रही हूँ। और ये मैं सोन के चढ़ाती हूँ और ये हम सारे अपने मसाले, बहुत से लोग प्याज को ब्राउन करके बनाते हैं, देखिए मैं अपनी अम्मी की तरह बनाती हूँ। हमारी अम्मी भी अच्छा गोश्त वगैरह ना ऐसे ही चढ़ाती हैं सोन के। चलो अब इसमें पानी डाल देंगे, पकड़ने के लिए रख देंगे। हाँ मैंने पानी भी डाल दिया, अब ये पकता रहेगा। और मेरे जो भी काम है उनकी सफाई नहीं दे दी है, बर्तन वगैरह तो मेरे सब धुल चुके हैं, बस सफाई नहीं हुई है। देखते हैं तो ये पकेगा, चले मिलते हैं काम वगैरह करने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा कीमा भी तैयार है, भुनाई हो गया। अब आलू डालूँगी, आलू डालने के बाद इसमें दम पे लगा देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा खाना तैयार है। खाना अजलान मिलते हैं थोड़ी देर में। जो बोलिए आए है।
अच्छा या आप सेब खा रहे हो उठा के लेकर आओ। बोला आए हाय आए हाय बाबा क्या बोलना आए हाय।